हालफ कैंडिडेट थे क्या नाम सालिक हुसैन, मैं उसको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ इस बात की कि आज जिस खूबसूरती और जिस महारत से उसने ये सारा खेल खेला है, मैं वाकई बहुत मुतासर हुई हूँ। कि मैं बाकी भी अब सोचती हूँ कि जितने पाकिस्तान के जितने भी लोग सियासत कर रहे हैं या इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो भी इसी की तरह घर बैठ के इतनी खूबसूरती और इतनी महारत के साथ, इतनी दनाई के साथ ये काम करें। ऐसी कप कप के सड़कों पे इधर के उधर सारा सिलसिले करने की कतन ज़रूरत कोई नहीं। उस लड़के ने, मेरे भतीजे ने घर बैठ के इतनी खूबसूरती से ये 3-4 दिन में जिस तरह उसने सारा रिज़ल्ट चेंज किया है, वो ये मैं कहती हूँ दाद देनी चाहिए उसको। और आज जब मैं वहाँ बैठी देख रही थी, हमारे जो थे ना वहाँ आर ओ साहब, क्या नाम है उनका, हैदर अब्बास, वो बेचारे पिछली दफ़ा भी बड़े न्यूट्रल रहे हैं, अब भी वो बड़े उस पर कायम थे। शुरू में जब हम बैठे हैं, आमर साहब थे वहाँ, बड़े अच्छे माहौल में बैठे रहे हैं। उसके बाद जब वो आया DPO, उसने आके अपने बॉस के ऑर्डर के मुताबिक ऐसा पलटा किया हर चीज़ का, बड़े अच्छे माहौल में, वो भी गपशप करके हंस हंस के चीज़ें करता जा रहा था। ये आमर राव के साथ भी इसके लिए करता रहा था। और उसके बाद उसने जो जो उसको फ़ोन पे फौरन ऑर्डर आ रहे थे उसके मुताबिक वो अपनी चीज़ें कर रहा था। लेकिन बड़ी वो भी मैं कहती हूँ उसकी भी बड़ी महारत है, उसका एक्सपीरियंस खैर बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे कामों का। तो अब फिर हुआ ये कि वो जब शुरू में उन्होंने ना थोड़े से हमारे देखे हैं पेपर जो आमर साहब ने दिखाए हैं उनको, वो जो 45 वाला फॉर्म होता है वो, और उसके बाद थोड़े से ना उन्होंने खोले हैं वो भी, ये नोट करते गए नंबर भी सारा कुछ। मैं बड़ी हो रही थी मुतासर कि कितने अच्छे तरीके से ये सारा हो रहा है। बात सीधी है, काम और हमारी बाजियाँ और दूसरे जो कैंडिडेट हमारे ये पीपल पार्टी के भी हैं जो बासवामी के, हम RO के दफ्तर में गए 5 देर के बाद उन्होंने बुलाया। हम रोज़ आते थे, कहते थे 4 बजे आना, 4 बजे जाते थे, कहते RO साहब नहीं है। आज उन्होंने बुलाया 9 बजे समन करके, मुझे पटवारी ने, मेरा पटवारी मेरे घर गया था, उसने बोला चौधरी साहब आपको कल RO साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, 5 दिन के बाद उनको बारी याद आई है। सुबह जो हम गए, हमारे अटॉर्नी साहब जो हैं उन्होंने फार्म खोलने शुरू किए और सबके फार्म, 40 फार्म खोले, 40 फार्म में धांधली इतनी ज़्यादा थी कि जिस तरह बाजी ने बताया ना कि 300 कर दिया, बल्कि 300 कर दिया इनके, अगर 1000 वोट थे 1000 काट के 10 कर दिए हैं। तो ये धांधली नहीं है, इसका नाम कोई और ही है। लेकिन मैं तो मुबारकबाद नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह आखिरी फतह हमारी होगी, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा जो है, हम अपनी बाजियों के साथ खड़े हैं, हम जमात इस्लामी वालों के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। हमने जब एक पोलिंग स्टेशन से शुरू हुए और 42 तक गए हैं, तो वहाँ से हमने कंपेरिज़न किया है तो सब पे टैंपरिंग की हुई है, और वो टैंपरिंग जो है वो वाजह नज़र आ रही है। तो हमने वो RO साहब से पूछा है कि ये टैंपरिंग वाले हैं और ये हमारे जो ये तकबल कर लें, तो वो आगे से स्माइल पास किया, उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं। आपको भी पता है कि इलेक्शन किन्होंने मैनेज किया है और किस तरह मैनेज हुआ है। तो हमने कहा कि हम, हमें बाद वाले भी जो है ना वो जो फॉर्म 45 में वो भी चेक किए हैं, कहते बस जी आपने तसल्ली तो कर लिया है, तो बाकी का भी जो है ना वो सेम ये इसी तरह का पैटर्न है। तो उसके बाद हमने एप्लीकेशन मूव की है, और एप्लीकेशन मूव करते ही DPO साहब आ गए हैं और DPO साहब उनको साथ ले गए हैं, और उसके बाद RO साहब अपने ऑफिस में नहीं आए। हमने कहा कि जो हमने एप्लीकेशन मूव की है उनका हमें ऑर्डर ही दे दें, तो कहते हैं हमें ऑर्डर आपको कन्वे कर देंगे, आप समझें कि आपकी एप्लीकेशन, आपके जो माइंड भी है वो भी डिसमिस है, और जो आप सोच रहे हैं वो भी डिसमिस है, और ये भी डिसमिस है। इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली बात तो बात की है, हमें हाई कोर्ट से उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला हमें वही इंसाफ मिलेगा जी।